लाहौरियों का इंतजार खत्म, मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ने पहला सफर मुकम्मल कर लिया। वज़ीरे आला सरदार उस्मान बसार ने ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया। चीनी कौंसल जनरल समेत वज़रा और आम शख्सियात की शिरकत। ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन और अली टाउन से डेरा गुजरा वापस पहुंची। ऑरेंज लाइन ट्रेन में शहरियों की बड़ी तादाद ने सफर किया। पाक चीन दोस्ती से तरक्की का नया सफर शुरू हुआ। आलमी मंजरनामे में कई तब्दीलियां आईं। पाक चीन ताल्लुकात गहरे से गहरे होते गए। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीरे आला उस्मान बुज़दार का खिताब। बोले, सीपैक के तहत ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल हो गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए हुकूमत 15 अरब सब्सिडी देगी। लाहौरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। तकरीब से चीनी कौंसल जनरल लॉन्ग डिंगबिन का भी खिताब। पाक चीन दोस्ती की तारीफ की। आवाम को मैं यही मैसेज दूंगी कि ये सहूलत भी है, एंजॉयमेंट भी है, तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए। पब्लिक के लिए बहुत अच्छा ये एक स्टेप उठाया है। बहुत अच्छा लगे थे, वैसे ही बड़े अच्छी थे। मुझे आती है वार्डो। मैं आवाम का ही फायदा, फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है, एनवायरमेंट भी काफी अच्छा है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का पहला सफर जाते हुए 26 और वापसी पर 25 मिनट लगे। लाहौरिया खुशी से निहाल। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद किनारे इफ्तिताही तकरीब बयक वक्त लाहौर और बीजिंग में हुई। जीएम मैस ट्रांसिट अथॉरिटी कहते हैं शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देंगे। आईजी का भी मेट्रो ट्रेन के आगाज पर इशारे मुसरत। चीफ इंजीनियर एलडीए कहते हैं शहरियों की बड़ी तादाद सफरी सहूलत से मुस्तफीद होगी। मुस्लिम लीग नून ने भी ऑरेंज लाइन ट्रेन का अलग इफ्तिताह किया। नून लीग की जानिब से जैन मदर स्टेशन के बाहर तकरीब। साद रफीक, परवेज मलिक, अयाज सादिक, मुश्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर ने फीता काटा। ऑरेंज ट्रेन के इफ्तिताह पर तर्जुमान नून लीग की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नवाज शरीफ की हिदायत पर शुरू होने वाला मनसूबा मुकम्मल हुआ। लीग रहनुमाओं का इफ्तिताह पर इशारे मुसरत। अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान मनसूबे का क्रेडिट लेना चाहते थे। परवेज मलिक ने कहा ऑरेंज ट्रेन लाहौरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है, हुकूमत कोई भी काम बेहतर अंदाज में नहीं कर सकती। ऑरेंज लाइन ट्रेन बेहतरीन ट्रांसपोर्ट साबित होगी। सारी दुनिया को पता है मंसूबा किसका था। ख्वाजा इमरान नजीर और ख्वाजा साद रफीक की इफ्तिताही तकरीब पे गुफ्तगू। बोले, आज मजदूर भी कहेगा मंसूबा शहबाज शरीफ ने शुरू किया। लाहौरियों मुबारक हो। शहबाज शरीफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। ना अहल टोले ने ऑरेंज ट्रेन को रोके रखा। आप सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड ही रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पाक चीन दोस्ती का एक और संगमेल अबूर। 2015 से शुरू होने वाला ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा बिलाखिर मुकम्मल हो ही गया। शहबाज शरीफ ने मंसूबे की तकमील के लिए शहबाज स्पीड की रफ्तार से दिन रात काम किया। साबिक वज़ीरे आला ने 16 मई 2018 को ऑरेंज ट्रेन का कामयाब टेस्ट रन करके मुखालफीन को हैरत सदा कर दिया। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर तनकीद करने वाले आज क्रेडिट लेने लगे, जबकि मंसूबा शुरू करने वाला आज जेल में है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। ऑरेंज लाइन मंसूबा अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ। ऑरेंज लाइन की इब्तदाई लागत 1 खरब 62 अरब से ज्यादा थी। ऑरेंज लाइन को 27 माह में मुकम्मल किया जाना था, 22 माह पे इम्तनाई रहा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का ट्रैक 27.1 किलोमीटर तवील है। ऑरेंज लाइन पर 24 एलिवेटेड 2 जेरे जमीन स्टेशन हैं। ऑरेंज ट्रेन जगतरफा ट्रैक 45 मिनट में मुकम्मल किया करेगी। ऑरेंज ट्रेन से शहरी तारीखी मकामात भी देख सकेंगे। ऑरेंज लाइन में बुजुर्गों, स्पेशल अफराद के लिए नशिस्तें मुख्तस, खवातीन और बच्चों के बैठने के लिए खसूसी नशिस्तें रखी गई हैं। ट्रेन की हर बोगी को फायर सेफ्टी सामान से भी मुजयन किया गया है। ट्रेन का जगतरफा किराया 40 रुपये रखा गया। ऑरेंज ट्रेन को बिला तातुर बिजली फराहमी के इंतजाम ताहाल नामुकम्मल। ट्रेन को चलाने के लिए लेस्को के 8 सर्किट से बिजली फराहम करना थी। ऑपरेशनल होने तक लेस्को ने 6 सर्किट से बिजली फराहम की है। दूसरे 2 सर्किट से ताहाल बिजली सप्लाई करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। ऑरेंज लाइन ट्रेन को बिजली देने के लिए 2 ग्रिड स्टेशन बनाए गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह। पीएचए की फुर्तियां। पीएचए ने डेरा गुजरा स्टेशन से गमले उठा दिए। स्टेशन के बाहर इफ्तिताह के लिए गमले सजावट के लिए रखे गए थे। ऑरेंज ट्रेन चलने से मोटरसाइकिल रिक्शे चलाने वाले परेशान। हुकूमत मौसी मसाइल पर भी नजरसानी करे।
मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स की अपील, बोले ऑरेंज ट्रेन चलने से हमारा काम ठप हो जाएगा। सुन रहे हैं कि ये बंद कर रहे हैं, तो बंद करने से जो नुकसान हो हमारा घर का बच्चों का रोजगार तो छीनेगा ही। चिंची बंद कर दे तो अभी बच्चे की रोटी कितों लैके जावे, गरीब आदमी से हर भुखा मारता पे, हर फिर चोरिया डेटिया करिए फिर काम करिए। कोरोना स्मॉग के बाद आलूगी ने लाहौरियों को लपेट में ले लिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। शहरियों का आलूदा माहौल में सांस लेना दुश्वार, बंद रोड के अतराफ में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से एयर क्वालिटी 470 तक पहुंच गई। उधर महमूद बूथी के मकीनों का टायर चलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरीन बोले फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से सांस लेना माहौल है। महकमा माहौलियात आलूगी के अफसर शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं ले रहे। सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है और मैं यहां से मस्जिद में जाता हूं और मस्जिद में जाकर सिर्फ वजूगाह से वजू कर अंदर जाता हूं तो मेरे पांव काले हो जाते हैं। तो पैरां तो अंदाजा ला लो साडे तो के की कुछ साडे नाल हो रहा है। खोना हुण मैं नमाज पढ़ के थोड़ी देर पहले आया तो जुत्ती दे विच भी पैल काले हो जांदे। साडे स्मॉल चिल्ड्रन ने उन्हूं ना तबाह करो, जेकर फैक्ट्रियां वाले नूं कमाई दा हो जरिया नहीं ते इहदे तों पहले भी दा कालक दा पहला काम चलदा इस नूं किथे करदे सन। पियों का धुआं है और इसमें जो कार्बन उड़ रही है वो ना सिर्फ फजाई आलूदगी का बायस बन रही है बल्कि हम इनहेल भी कर रहे हैं जिससे कैंसर जैसे मुजी मर्ज में हम मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने सहूलत बाजार को बेफायदा करार दे दिया, दो दिन में टमाटर के सरकारी नर्ख में 35 रुपए इजाफा, शहरी फट पड़े, बोले हुकूमत आम मार्केट में ही कीमत पर काबू पा ले, सहूलत बाजार का वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, सहूलत बाजार में सिर्फ एक पाव गैर मायारी टमाटर दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी का आटे के मुकर्रा नरखों से जायद पर फरोख का नोटिस, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने प्राइस कंट्रोल इजलास में रिपोर्ट पेश की डेप्यूटी कमिश्नर्स को, लाहौर गुजरांवाला हाफजाबाद में डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर हाउस में कोरोना हीरोज को खिलात तहसीन पेश करने के लिए बॉल बना दी गई, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना बॉल का इफ्तिताह कर दिया। कोरोना वबा में फलाही काम करने वालों के नाम कोरोना वॉल पर तहरीर, कोरोना वॉल से मुंसलिक कुरान पाक भी बनाया गया, पाक में वो तमाम पौधे लगाए गए हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, शहरी एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गवर्नर पंजाब का इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब, बोले कोरोना के खिलाफ हर इदारे ने अहम किरदार अदा किया।